वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यार आज हम आ चुके हैं बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ और ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। होप करता हूँ आपको वीडियोस लखनऊ सीरीज की काफ़ी अच्छी लग रही है अब तक। ये वाली वीडियो भी पूरी देखना, ये भी आपको अच्छी लगने वाली है। अब जो हम जिस जगह आए वो है बड़ा इमामबाड़ा। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, ऐसे दो प्लेसेस हैं जो कि वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेसेस होते हैं लखनऊ में। अगर आप लखनऊ आते हो तो आपको ये प्लेसेस विजिट ज़रूर ज़रूर करने चाहिए। हम अंदर जाने वाले हैं। इमामबाड़ा जो बड़ा इमामबाड़ा है इसमें तीन चीज़ें हैं एक्चुअली। इमामबाड़ा एक मेन है, दूसरा जो है भूल भुलैया है और तीसरा जो है बावरी है। यहाँ पे तो तीनों प्लेसेस की इंडिविजुअल वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, तो आप चेकआउट ज़रूर कर लेना। और इस वीडियो में आपको शायद एक कम्बाइंड वीडियो देखने को मिल जाए। सो वी जस्ट गॉट द टिकट पर पर्सन, इट जस्ट कॉस्ट अस अराउंड 50 रुपीज़। सो एक जने की 50 रुपये टिकट है ऐसा कुछ है। और हम अंदर आ गए हैं। अभी अंदर बावली में ये जो है उस टाइम का जो है, एक तो वाटर रिजर्वायर तो है ही है पर एक सिक्योरिटी काइंड ऑफ सिक्योरिटी पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट था। और दिस इज लाइक अ वाटर कैमरा। 1373 में नवाब आसिफ दौला आए थे ईरान से, तो लोग नवाब साहब से यहाँ भीख मांगने लगे। बादशाह ने कहा मैं किसी को भीख नहीं दूंगा, सबसे मेहनत करवाऊंगा। लोगों ने कहा नवाब साहब मुझे क्या मेहनत करना पड़ेगी। बादशाह ने कहा यहाँ पे इमामबाड़ा बनेगा। इमामबाड़ा बनने के लिए बादशाह ने देखिए 200 फीट गहरा कुआं खुदवाया था। इसके अंदर 7 माले हैं। अगर पानी में डूबी रहती तो अब तक की ये बिल्डिंग गिर चुकी होती, लिहाजा पानी से खाली कर दी गई है। उस जमाने में लाइट नहीं थी, ये सब बादशाह के सिपाही मशाले चिराग दिए रखते थे। देखना आप लोग पानी में मशाले चिराग दिए रखे जाते थे। आइए, उस जमाने में सीमेंट में नहीं थी, सुन रहे आप, इसमें सुरती है, चूना है, माश की दाल है, उड़द की दाल है, गन्ने का रस है, बेल का मुरब्बा है, गुड़ है, गोंद है, सिंघाड़े का आटा है। आइए यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए सामने, सामने देखिए पानी में तस्वीरें फोटो कलर दिखाई दे रहे हैं आपको। पीछे आ जाइए भैया, वहाँ पे दिख रहा है, ये उस जमा भैया दिख रहा है। बाहर से काला पानी, गंदा पानी दिख रहा है, मगर अंदर के कलर टीवी चल रहा है। आइए ये कुआं जो आप लोग देख रहे हैं, ये इसके अंदर 7 माले बटा देख लो, 7 माले हैं, 4 जमीन के अंदर हैं, 3 माले आप लोग के सामने, 1 2 3 नीचे। अंग्रेज लोग आए थे, खजाना चाबी नक्शा मांग रहे थे। इस बिल्डिंग का मेवालाल रस्तोगी था, बादशाह का खदानची था, कैशियर, उसने बादशाह का नमक खाया था। खजाना चाबी नक्शा उसने 200 फीट गहरे कुएं में फेंक दिया। अंग्रेज लोग दौड़े मारने के लिए उसने सुसाइड गली में जान दी। आज भी खजाना चाबी नक्शा इसी में, ये सुनिए आप लोग को।
तो ये कुछ रहा यहाँ बाबरी का एक्सपीरियंस हमारा, जो कि आपने अभी गाइड की सुन ली होगी, बहुत ही समझ में आ गया हुआ। और यहाँ से फिर हम आगे जाने वाले हैं मेन इमामबाड़ा की बिल्डिंग में, और फिर हम जाएंगे भूल भुलैया। कोशिश करेंगे हम जल्दी जल्दी सब कुछ एक्सप्लोर कर लें। और ये जो था मेन जो था, जहाँ जब बादशाह थे उस टाइम में उन्होंने बहुत अच्छा बनवाया था, सूझबूझ का बहुत अच्छा नमूना है। प्लस वाटर रिजर्वायर भी है, पानी भी सेव कर सकते थे इससे। प्लस लखनऊ के आपको अदब दिखाने की कोशिश की गई, छोटे जैसे कि ये बता रहे थे कि यहाँ से आओ तो जब भी आप कभी आते हो, लोग बड़े होते थे तो झुक के आना पड़ता था, ऐसे करके सलाम करते हैं, तो कुछ एक तरीका होता था इस हाथ से, सॉरी उससे नहीं, लेफ्ट से नहीं राइट से। हाँ, तो वो भी हमें लखनऊ तहजीब भी देखने को यहाँ पर मिली। तो होप करता हूँ आपको ये वाला पार्ट वीडियो को अच्छा लगा हो। सेकंड पार्ट में हम चलते हैं। यहाँ पे जो गाइड है ना, वो एक बहुत अच्छा मतलब शब्द यूज करते हैं कि मेरी सेवा समाप्त हुई। ऐसा नहीं कि मतलब आपके मतलब इतने रुपये हो गए या इतना चार्ज हो गए, ये चीज़ सही है। हम भी आपके मजदूर हैं, मजदूरी दे दीजिए, ये बोलते हैं। मतलब बहुत हम्बल रहते हैं, जैसे वृंदावन में भी होते हैं गाइड, तो वो अपनी बोल देते हैं कि हमारे इतने रुपये हैं या इतने रुपये हम लेंगे या इतने लोगों के इतने रुपये लेंगे। सो यहाँ पे मुझे ये चीज़ सही लगी, काफ़ी सही था। कितने रुपये दिए हमने? हमने सिर्फ उनको दिए 20 रुपये सिर्फ। सो तू कितने देता अकेले? अगर सही बात बताऊँ, मैं होता तो मैं 100 रुपये देता, और फिर बाद में मतलब अगर ऐसे कहते कम लग रहे हैं तो फिर 50 रुपये और देता, इससे ज़्यादा तो नहीं। तो अंदर जो है हम इमामबाड़ी की तरफ, मेन बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी स्टॉल भी हैं अंदर, रिफ्रेशमेंट का काफ़ी सामान मिल जाता है। और फिर अब मेन बिल्डिंग में जाके देखते हैं। यार हमारी वॉइस क्लियर नहीं आएगी क्योंकि हमने सेटअप, वॉइस का थोड़ा सा इशू हो सकता है। वैसे तो काफ़ी वॉइस क्लियर होगी क्योंकि माइक लगाना और वो सब सेटअप के साथ अलाउड नहीं किया उन्होंने रिकॉर्ड करना इस बार। तो यहाँ पे अंदर जाने से पहले हमने शूज़ निकालने पड़ेंगे, शूज़ हम यहाँ पे उतार रहे हैं और फिर अंदर जाना है हमसे। आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये जो छत देख पा रहे हो, ये जो है यहाँ मस्कमेलन डिज़ाइन है। कुछ मस्कमेलन मतलब खरबूजा होता है, उसके ऐसे देखो ऐसा, ये जो है देख रही हैं लाइंस। सो इतने मतलब इस डिज़ाइन का मेन कंसेप्ट है कि ये वजन झेल सकता है, छत जो है बहुत वजन झेल सकती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है छत की। तो पूरे यहाँ पे इमामबाड़े में बड़े वाले में यही डिज़ाइन इम्प्लीमेंट की गई है, और बहुत अच्छा इंजीनियरिंग का नमूना है ये पूरा स्ट्रक्चर, बहुत अच्छा। ऐसे अभी आपने बावरी में देखा होगा कि बहुत अच्छा तरीके से वो बनाया गया है, पानी भी बचा रहा है, और जो है नवाब जो यहाँ के हैं उनके सैनिक वगैरह भी रह रहे हैं, सेफ्टी पर्पज़ से भी यूज़ हो रहा है। तो पूरा ये जो स्ट्रक्चर है बड़ा है इमामबाड़ा, बहुत ही ज़्यादा इंजीनियरिंग का नमूना है, बहुत अच्छा गुड स्ट्रक्चर ऑफ इंजीनियरिंग इसी। तो ये रहा हमारा अंदर बड़े इमामबाड़े का अंदर सब कुछ, सब जो हैं ताजिया वगैरह आपने देखे, जो कि हर साल नए रिप्लेस कर दिए जाते हैं पुराने, एक साल मतलब एक ताजिया आने पे एक रखा जाता है नया, पुराने वाला जो है दफन कर दिया जाता है। सो ऐसे कुछ जो है मुस्लिम आर्किटेक्चर और मुस्लिम मान्यताओं को ये बहुत अच्छे दर्शाता है। हमने अपने जूते यहाँ उतारे थे, जूते की एक पेयर ऑफ शूज़ 2 रुपीज़ का आपको काउंट करते हैं मतलब लेते हैं आपसे, और ज़्यादा अच्छा है कि आप यहाँ शूज़ यहाँ पर रखने का सेंटर है वहाँ पर दे दें, नहीं तो जूते जो है फेंक देते हैं एक जगह, फिर मिलेंगे नहीं, 2 रुपये में क्या ही जाता है, डस्टबिन में डाल देंगे फिर जूते मिलेंगे नहीं। तो हम जा रहे हैं ऊपर भूल भुलैया की तरफ, देखते हैं आपको भी दिखाते हैं। टिकट चेक ऐसे होती है, थोड़ा सा हमने कागज़ फाड़ लिया, टिकट चेक देखा। तो ये रास्ता हमें जाना है ऊपर, आवाज़ काफ़ी सारी आ रही होंगी आपको, क्योंकि जितना ऊपर है ना हाइट में उतना नीचे है ये बिल्डिंग, मतलब ऐसा कुछ हिसाब है। और यहाँ पे जो है रास्ते बहुत सारे हैं, तो हम अभी एक ही रास्ते पे जा रहे हैं। भाई ऐसा लग रहा है, तो हमारा सेटअप ना टूट जाए।
बस काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगा थोड़ी देर बाद, पता चले अब देखते हैं क्या है। सीधी चढ़ाई है, बिल्कुल सीधी छाती चढ़ा नहीं जाएगा भाई साहब, पकड़ के ही चढ़, जैसे ग्रिल लगी हुई है ये पकड़ के ही चढ़ना। हम यहाँ से जा रहे हैं नीचे, दीपा इधर आ इधर आ, नीचे चलो नीचे जा रहे हैं। कन्फ्यूजिंग रास्ता है हमें यार, फसल हो जाएगी अगर हम नहीं निकल पाए तो। अरे ओ भाई सामने मिरर लगा हुआ है, हम लोग हमें कि और कोई है नहीं, हम नहीं हम नहीं है, कोई और है भाई, मेरा तो दिखेगा कोई ऐसे तो कोई गिर भी सकते। देखो हम इमाम बाड़े के बिल्कुल ऊपर है, यही भूल भुलैया लग रही है मुझे। सो काफ़ी सारे रास्ते हैं यहाँ पे, 1000 से ज़्यादा रास्ते हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा था वहाँ पे सामने देख के कि कोई बंदा मिरर में है, मतलब हम लोग मिरर में हैं। पर देखो तो ये लगा हुआ है रास्ते में, है क्या ये? अबे भाई यहाँ से बंद कर रखा है, यहाँ से रास्ता है देख, यहाँ से रास्ता खुफिया रास्ता नीचे जाने का। ये पूछ चलेंगे? नहीं हम नहीं जा रहे, अभी अपने फ्लोर पे नहीं, अपने से नीचे वाले फ्लोर पे हैं। क्यों नहीं कुछ याद नहीं है, अंदर भी तो जाना है, ये बंद कर इनने। अरे मैं बता रहा हूँ हम वापस चल, तू ऊपर चलना है वापस चल, हम वहीं सीधे सीधे वापस आना पड़ता है, वापस आना पड़ेगा वापस चल तो सही, चल तो सही, क्योंकि अभी बिल्कुल हम मेन उसके ऊपर हैं। यहाँ पे एक्चुअली आपको बताऊँ काफ़ी सारे गाइड भी हैं, सो हमसे नहीं कह रहे गए और किसी से बोल रहे होंगे। देखो मैं ये जो कहना, ओ गुम्माटी में यहाँ से तो सही में भूल जाएंगे यार, हम जाएंगे नहीं, हमें डर लगता है। एक और ब्लॉगर भाई हमारे मित्र नहीं थे वो, हमारे बस ब्लॉगर थे, इसी से रिश्ता है, ब्लॉगर थे मतलब। क्यों यहाँ से रास्ता बंद है, यहाँ पर फोटो बहुत अच्छी आएगी देखो, बहुत नहीं अच्छा फोटो आया, क्योंकि वो एक मैंने तो भाई यहाँ खींचना फोटो, यहाँ पे भी लाइट वाइट अच्छी है एक्चुअली। सो पर हम अब जा रहे हैं दूसरी जगह जहाँ से हम आए थे, वहाँ पे छत पे जा सकते हैं शायद हम यहाँ से। सो काफ़ी सारे रास्ते हैं यहाँ पे एक्चुअली, जैसा मैंने बताया था, देखो हम इमामबाड़े मतलब वहाँ नीचे थे और अब हम ऊपर आ गए फर्स्ट फ्लोर पर, तो हम ऊपर जाके देखेंगे। दीपक चलोगे क्या, कॉपीराइट दिलवाओगे क्या, देखेंगे छत पर आके डल डल गया आप तो। नीचे चलो मैं कह रहा हूँ, ओ आगे छत पे नीचे भी चले अभी तो याद है ना। सो यहाँ पे आता है वो फोटो बहुत अच्छा आता है, देख मैं लूँगा, मतलब एक बंदा यहाँ खड़ा हो जाए और एक यहाँ इधर मान लो बैठ जाए, और यहाँ से कोई फोटो खींच रहा है ऐसे ऐसे करके, देख तू दूर जा मैं दिखाऊँ, यार मैं इफेक्ट दिखाऊँ, देखो ऐसे करके कुछ इस तरह से, हाथ भी तो नहीं आ रहा मेरा, ऐसे ऐसे करके आ जाता, मतलब एक यहाँ बंदा होना चाहिए, अच्छा आएगा फोटो। सो वैसे तो मैं बताऊँ जितना बोलते हैं ना कन्फ्यूजिंग है उतना है नहीं, क्योंकि उन्होंने वो रास्ते बंद कर दिए, अब जो था मतलब जहाँ पे खो सकते थे वो रास्ते बंद कर दिए उन्होंने, और अब हम आ गए मेन छत पे, तो छत पे से तो कुछ नहीं है, ये छत है, अगर हम छत के ऊपर भी एक और मतलब यहाँ पे एक और फ्लोर है। अरे यार ऊपर चलेंगे भाई, तो ऊपर कहाँ से जाना है? अरे ऊपर चलेंगे ना, अभी वहाँ से जा सकते हैं ऊपर, वहाँ पर भी जीना था, अरे तो हम वहाँ से जाएंगे आगे। सो अब हम जा रहे हैं ऊपर, ऊपर वाले फ्लोर, और यहाँ चल रही है फोटो, फोटोस काफ़ी अच्छे आएंगे यहाँ पे, अगर कोई बैठ जाता तो पीछे जो है ना वो बहुत अच्छा दिख रहा है। तो हम जा रहे हैं ऊपर फ्लोर पे, यहाँ पे काफ़ी सारी इंस्टाग्राम की पिक्चर्स क्लिक हुई हैं, आप हमको यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, कहीं पॉप कर रहा हो इंस्टाग्राम का हैंडल, बिल्कुल एकदम खड़ी सिटी है, एकदम सीधे स्टेयर्स ज़्यादा ही सीधी है कुछ। और मैं था हुआ जैसे मैं कह रहा था कि जो भूल भुलैया वाला पार्ट है उन्होंने पहले से ही खुद बंद कर रखा है काफ़ी सारी चीज़ें, ताकि कोई सही में ना गुम हो जाए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। सारी प्लेसेस अभी आपने देखी होंगी लखनऊ में,
काफ़ी अच्छा शहर है ये। पहला इनिशियल एक्सपीरियंस तो मेरा उतना अच्छा नहीं रहा सच्ची बताऊँ तो, जब मैं यहाँ आया था तो थोड़ी दिक्कतें, पर हाँ कपल फ्रेंडली प्लेस है, टूरिस्ट फ्रेंडली प्लेस है, काफ़ी सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे आप लोग विजिट कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, जो भी है दोस्तों के साथ कर सकते हो, सोलो भी आप जाना चाहो तो जा सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, और भी आगे आप वीडियोज़ आपको इस चैनल पर देखने वाली हैं। सो बाकी अगर वीडियोज़ नहीं देखी तो आपको आई बटन में यहाँ कहीं लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कर लें। सो अभी आपने जो फुटेज देखी वो यहाँ की मस्जिद है, इसमें 5 टाइम नमाज़ पढ़ी जाती है हर रोज़। हम तो नहीं जा सकते क्योंकि सिर्फ नमाज़ पढ़ने जाते हैं, वैसे नहीं खुलता है जुम्मा। सामने आप घंटाघर देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सामने जो है बिल्कुल हमारे घंटाघर का जो है मतलब क्लॉक टावर है यहाँ का, सो वो भी अभी आप फुटेज आप देख रहे हैं। सो आई थिंक दैट शुड बी इट फॉर दिस वीडियो। होप करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करो यार, सब्सक्राइबर मांगता है अपने को, और शेयर करो वीडियोस को, बेल आइकन प्रेस कर लेना। आपको अभी लखनऊ सीरीज में और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ देखने को, बहुत सारी प्लेसेस एक्सप्लोर करनी है, फिर लखनऊ के बाद आपको एक अच्छा सरप्राइज़ मैं जल्दी जल्दी देने वाला हूँ। Till then, take care. Bye-bye. See you in the next one.